हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। नाइट प्रेयर, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना। पिता के सामने अपने घुटने टेक कर बैठेंगे, ठीक है, अपने पापों को मानेंगे, गलतियों को मानेंगे और उन गलतियों को छोड़ना है, पिता के सामने मानना, अंगीकार करना, पश्चाताप करना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ठीक है, पिता हम सभी से बहुत प्रेम करता है, ठीक है, पिता का प्रेम बहुत बड़ा है, उतना वो सब प्यार मनुष्य नहीं दे सकता है, न कर सकता है, ठीक है। पिता ने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने अपना रक्त बहाया, कीमती रक्त बहाया है, कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सही, दुख साथ दर्द सहा पिता ने, ठीक है। तो इसलिए पिता का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमारा महान है, वो हमारा दयालु राजा है, वो करुणा निधि है, वो प्रभु का प्रभु है, सेनाओं का राजा है हमारे पिता, ठीक है। अगर आप दुखों में हैं, अगर आप तकलीफों में हैं, अगर आप चिंताओं में हैं, अगर आप बीमारी को लेकर टूट गए हैं, तो आपको किसी मनुष्य के सामने रोने की आवश्यकताएँ नहीं है, हमें पिता के सामने रोने की आवश्यकताएँ हैं, जिंदा परमेश्वर के सामने रोने की आवश्यकताएँ हैं। पिता हमारे दुखों को, आंसुओं को पोछेगा पिता हमारा, ठीक है, पिता के सामने बताएंगे। पिता हमारा यूँ कहता है, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। पिता कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। पिता ने कहा है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी के सामने भीख नहीं मांगना है, हमें जिंदा परमेश्वर के आने के सामने सम्मुख आने की आवश्यकताएँ हैं। आइए अपने घुटने टेक कर बैठ जाइए और पिता से बोल दीजिए जो भी समस्याएँ हैं आपके जीवन में। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सबों को मेरे पिता जीवतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, सूरज इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु कितने मनुष्य होंगे, कितने अन्य जाति लोग होंगे, संसारी लोग होंगे, मर गए होंगे, वे नर्क में चले गए होंगे मेरे पिता, जहाँ का धुआं युगानुयुग उठता रहता है। मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो आपने हम सभी को पिता जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा यश, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते यीशु पापा, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते मेरे पिता। यीशु पिता महान, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप करने ने दिए मेरे प्रभु। मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो अपनी बीमारी को लेकर टूट गए हैं मेरे पिता, जो तमाम इलाज करा चुके हैं मेरे प्रभु, फिर भी नहीं ठीक होते मेरे प्रभु, मेरे पिता उन्हें विश्वास है मेरे प्रभु कि आप उन्हें चंगा करेंगे, वे आस लगाए बैठे हुए हैं पिता कि आप उन्हें छुएंगे मेरे प्रभु, मेरे पिता, पिता उनके विश्वास की तरह पिता आज उनके जीवन में चमत्कार करिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी छू लीजिए, जितने लोग आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं उनकी बीमारियां अभी इसी घड़ी ठीक हो रही हैं, जितने लोग आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं पिता उन्हें छू रहा है, जितने लोग आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं और लास्ट में आमीन बोल रहे हैं पिता उनके बीमारियों को दूर कर रहा है यीशु मसीह, आपके नाम से मेरे प्रभु वे चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते हैं सुरजा, आपकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, स्तुति हो, बड़ाई हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा करते हैं यीशु पापा। मेरे पिता आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया है, कोढ़िये पाजों को शुद्ध किया, आपने महान आश्चर्य काम किए मेरे प्रभु, मेरे पिता आपने अद्भुत चमत्कार किए हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु ऐसा कार्य कोई भी नहीं कर सकता है यीशु पापा, आप ही के पास ये अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के दुखों को, तकलीफों को, चिंताओं को, बीमारियों को खत्म कर सकते हैं यीशु पापा, मेरे पिता, पिता सभी मसीह भाई बहन, पिता हम मसीह भाई बहन पिता सबको छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे आए यीशु राजा, आप संभालिए यीशु राजा, आप छुटकारा दीजिए, आप चंगाई दीजिए, हालेलुया, चंगाई दीजिए, चंगाई चंगाई उंडेल दीजिए मेरे प्रभु, मेरे पिता जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं पिता, चिल्ला रहे हैं मेरे प्रभु, वे चंगाई मांग रहे हैं प्रभु, आप उन्हें चंगाई दीजिए। पवित्र आत्मा जी हम आपसे विनती करते हैं पापा, आपसे विनती करते हैं हर एक जन को छुए मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा जी छू लीजिए, पवित्र आत्मा जी जितने लोग आपकी हुजूरी में आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पवित्र आत्मा जी, यू टच में पवित्र आत्मा जी हर एक जन को छू लीजिए, वे ब्लेस हो जाए,
ब्लेस हो जाए पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए मेरे प्रभु। जितने लोग पिता काम के लिए बाहर गए हैं पिता, उनकी आने जाने में सहायता करें, मदद करें मेरे प्रभु, अपने दूत की तरह सहायता करें पवित्र आत्मा जी, आने जाने में उनकी सहायता करें, मदद करें प्रभु। आपका वचन के दास से जहाँ कहीं आप जाएंगे, मैं तुम्हारे अंग संग रहूंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलाने लगा परमेश्वर मेरे पिता। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते यीशु राजा, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो या हालेलुया। पिता आपकी महिमा हो, महान पिता, दयालु पिता है मेरे पापा, मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थ करते पिता, जो अपनी गरीबी को लेकर वे टूट चुके हैं, वे रो रहे हैं पिता, वे बिलख रहे हैं, अपनी गरीबी को लेकर, तंगी को लेकर वे टूट चुके हैं, उनको कोई आस की किरण नजर नहीं है मेरे पिता, मगर वो आस की किरण आप है मेरे प्रभु। आप इनके दुखों को उठा लीजिए, आप इनके रोगों को उठा लीजिए, आप इनकी गरीबी को दूर कर दीजिए मेरे स्वामी मेरे पापा। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे पापा। मेरे प्रभु आपके नाम से मांगते हैं मेरे प्रभु, जितने लोग आपकी हुजूरी में आपकी उपस्थिति में बैठे पवित्र आत्मा जी, इनकी गरीबी को दूर कर दीजिए, इनके घर में खुशियां बरसाइए, बरकतें बरसा दीजिए पिता, पैसों की आशीष दीजिए मेरे प्रभु आपके नाम से मेरे पिता। और स्वर के झरोखे खुल जाएं, वे बंद आशीष से खुल जाएं फिर से इस मसीह के नाम से, जो बंद मार्केटें पड़ी हैं खुल जाएं, जिनको नौकरियां नहीं मिले नौकरियां मिल जाए इस मसीह आपके नाम से मेरे प्रभु। जो रसीब करें, जो अमीन बोले अमीन बोलकर रसीब करो, इस मसीह आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपकी आंसुओं को पोछेगा, आपकी गरीबी को दूर करेगा, आपकी बीमारियों को चंगा करेगा हमारा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पापा। मेरे प्रभु जिन मसीह भवन के घर में लड़ाई झगड़ा लिप्त है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं बंद होता है मेरे प्रभु, आपके नाम से लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए, वे घर आजाद हो नहीं पाए पवित्र आत्मा जी, वे घर आजाद हो जाए, ये समस्या आप छुए मेरे पिता, और पिता वे घर आजाद हो नहीं पाए, वे ब्लेस होने पाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए इस मसीह आपके नाम से। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं यीशु पापा। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बरकत हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु पापा। मेरे पिता जो भी हम सभी से पाप गलती गुना हुए हैं पिता, मुँह के द्वारा पाप हुआ है, शब्दों के द्वारा पाप हुआ है, के द्वारा पाप हुआ है, मन के द्वारा पाप हुआ है पिता, आप माफ करें, आप क्षमा करें मेरे प्रभु। मेरे पिता आप ही के पास ये अधिकार है कि पिता आप हम सभी के पापों को गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पापा। आप माफ करें, आप क्षमा करें मेरे प्रभु, आप क्षमा करें मेरे पिता, क्योंकि पिता आप ही के पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं पापा। आप माफ करें मेरे प्रभु, आप क्षमा करें मेरे पिता। मेरे प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता, भय लगता, गंदे शब्द आते, ख्याल विचार आते मेरे प्रभु, आपके नाम से मेरे पिता वे अच्छे से सोए मेरे प्रभु, इनके चारपाई के पास आपके लहू का बाड़ा बांध देते मेरे प्रभु। मेरे पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे से न डरना। प्रभु आपने कहा है पिता, इस वचन के द्वारा सहायता करें, मदद करें मेरे पिता। छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।